हाँ, तुमने सही सुना, ऐश कचम वापिस आने वाला है। लेकिन कैसे, कहाँ और कब? अरे यार, उसके लिए तुम सब टेंशन मत लो। ऐश कचम कहाँ आने वाला है, कब आने वाला है, क्यों आने वाला है, वो सही मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा जो मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था, उस वीडियो में मैंने बोला था ऐश से रिलेटेड सबसे बड़ा हिंट जिसका मैं कंफर्म होने का वेट कर रहा था, और फाइनली वो हिंट कंफर्म हो चुका है। वो हिंट क्या है और ऐश कचम कब आने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसलिए देखो, चुपचाप वीडियो पूरा देखो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आज तक मैंने जितने भी ऐश रिटर्न वो वीडियो बनाए हैं, मेरे उन सभी वीडियो में एक पॉइंट कॉमन था, और वो पॉइंट था ऐश के रिटर्न करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऐश कचम का टाइमलाइन और पोकेमॉन होराइजन का टाइमलाइन दोनों सेम होना चाहिए, तभी ऐश रिटर्न कर सकता है। और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, इसके बारे में तुम्हें बताया था कि जब भी कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि ऐश के टाइमलाइन में था, और अगर वही कैरेक्टर पोकेमॉन होराइजन में आ जाता है, तो इससे कंफर्म हो जाएगा ऐश का टाइमलाइन और पोकेमॉन होराइजन का टाइमलाइन दोनों सेम है। और क्या होगा अगर मैं आपको बोलूंगा ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई ये सच हो चुकी है? हाँ, तुम सबने सही सुना, ये कंफर्म हो चुका है कि दोनों टाइमलाइन सेम है। और वो कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, अगर तुमने पोकेमॉन जेनेसिस के पूरे एपिसोड देखे हैं, तो पोकेमॉन जेनेसिस में एक एपिसोड है जिसका नंबर है 101, और उस एपिसोड में हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है हाइकर, और उस एपिसोड में हाइकर ऐश और गो से मिलता है और उसे बातें करता है। लेकिन तुम्हें असली मजा तो यहाँ आने वाला है, पोकेमॉन होराइजन का एपिसोड नंबर 27 जो कि आज से 3 या 4 दिन पहले रिलीज हुआ था, उसी एपिसोड में हमें देखने को मिला है यही बंदा जो कि हाइकर है। और जैसे हाइकर ने जेनेसिस में झाड़ियों से निकलकर ऐश को सरप्राइज दिया था, बिल्कुल उसी सेम तरीके से पोकेमॉन होराइजन में भी हाइकर झाड़ियों से निकलता है और हमारे लीको, रॉय एंड डॉट को सरप्राइज कर देता है। और सच बता रहा हूँ भाई, ये सीन देखने के बाद मतलब मैं कितना खुश हूँ तुम समझ नहीं सकते। और अब जब हमें पता चल चुका है कि ऐश का टाइमलाइन और पोकेमॉन होराइजन का टाइमलाइन सेम है, तो अब हम बात करते हैं ऐश का रिटर्न कैसे करेगा। सो देखो, अगर तुम पोकेमॉन होराइजन फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा पोकेमॉन होराइजन में आगे जाकर एक बड़ी बैटल होने वाली है, और ये बैटल होगी राइजिंग बॉल टैकल वर्सेस दी एक्सप्लोरर के बीच में, और ये बैटल होगी लीको के पेंडेंट के लिए और मिस्टीरियस पोकेबॉल के लिए। और जिसे नहीं पता मैं तुम्हें बता दूं, पोकेमॉन होराइजन में जो मिस्टीरियस पोकेबॉल है उन पोकेबॉल के अंदर स्पेशल पोकेमॉन्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, और होराइजन की एविल टीम यानी टीम एक्सप्लोरर्स लीको को पेंडेंट और इन पोकेबॉल्स को लेकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ बड़ा होने का मतलब एक बहुत बड़ी वार हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इसी वार में हमें देखने को मिल सकता है ऐश कचम, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ये वॉर बहुत बड़ी होने वाली है, और वॉर बड़ी है इसका मतलब पूरी पृथ्वी खतरे में, और जब पृथ्वी खतरे में तो पृथ्वी को बचाने के लिए आएंगे बहुत सारे ट्रेनर्स, और उन ट्रेनर में से एक हो सकता है हमारा हीरो ऐश कचम। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, बिल्कुल यही सीन पहले भी कार्लोस में हुआ है, जहां पर हम देखते हैं कार्लोस के वॉर में कार्लोस के पूरे जिम लीडर और दूसरे रीजन के चैंपियन और ऐश कचम सभी बैटल में आते हैं और बैटल को रोकते भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि होराइजन बिल्कुल वैसा ही हो, इसलिए ऐश कचम होराइजन में तभी वापस आने वाला है जब एक बहुत बड़ी वॉर होगी। लेकिन देखो, जो मैंने तुम्हें बताया ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, इसलिए प्लीज इसे थ्योरी लेके चलो, इसे भी कंफर्म मत समझना। तो ये था फर्स्ट थ्योरी जिसमें मैंने तुम्हें बताया ऐश कचम कैसे रिटर्न कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूंगा ऐश कचम हो सकता है उससे थोड़ा जल्दी रिटर्न आ जाए, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो समझो। तो देखो, जिसे नहीं पता मैं तुम्हें बता दूं, पोकेमॉन वालों ने जितना उम्मीद पोकेमॉन होराइजन से लगाया था उतना इनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि होराइजन जा रही है फ्लॉप। पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पर होराइजन चल रहा है जैसे कि जापान, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के बारे में तो मुझे लगता है इंडिया में पोकेमॉन होराइजन की व्यूअरशिप 10,000 भी नहीं होगी, और जब व्यूअरशिप कम हो चुकी है इसका मतलब इन्हें बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, और इन घाटे को सॉल्व कौन करेगा? ऐश कचम। इसलिए देखो, होराइजन के आने वाले कुछ एपिसोड में हमें ऐसे रिलेटेड कुछ और हिंट दिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐश कचम बहुत जल्दी रिटर्न करने वाला है। और शायद तुम लोग एक चीज भूल रहे हो, कुछ ही दिन बाद आने वाला 11 नवंबर, और अगर तुम ऐश को दिल से पसंद करते हो तो तुम्हें पता होगा 11 नवंबर के दिन क्या हुआ था। हाँ, सही सोचे, ये वही दिन है जिस दिन हमारा हीरो बना था वर्ल्ड चैंपियन, और शायद इसी की खुशी में पोकेमॉन वाले कुछ अच्छा कर दे हमारे लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कुछ करेंगे तो फिर भी अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात नहीं है भाई, हमें ऐश चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो चलो ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं, आए वीडियो देखकर मजा आया होगा, और अगर वीडियो देखकर मजा आया और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वो फ्री होता है। और इस वीडियो को शेयर करो उस फ्रेंड के साथ जिसने पोकेमॉन होराइजन देखना बंद कर दिया ऐश की वजह से, इसलिए उसे वीडियो शेयर करो और उसे बता दो भाई देख ले ऐश वापस आने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो को टॉपिक होने वाला है आखिरकार ऐश ने पोकेमॉन एनिमे लीव क्यों किया, ऐसा बोल सकते हो पोकेमॉन वालों ने ऐश को एनिमे सीरीज से क्यों निकाला, वो वीडियो जल्दी आएगी इंतजार करो। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपके किसी और नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, पीस आउट, बाय।